नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दोहा कतर से रिलेटेड। जी हाँ, फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे। बाकी स्क्रीन पे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा भाई, फ्लाइट का आजकल इतना तो कोई चर्चा रहा नहीं है, बहुत सारी फ्लाइटें आ रही हैं। बाकी भाई स्टेट लेवल पे तो बहुत कम आ रही है, हमारे राजस्थान में सबसे कम फ्लाइटें आ रही हैं। कोई भी कंट्री का देख लो, चाहे आप गल्फ कंट्रीज में, सबसे कम फ्लाइटें राजस्थान में आ रही हैं। अभी एक फ्लाइट 18 तारीख, जी हाँ 18 जुलाई की जयपुर राजस्थान के लिए एक फ्लाइट है। बाकी 16 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक 12 फ्लाइटों का शेड्यूल है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल से बता दूंगा, स्क्रीन पे आप देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। फेसबुक पर से पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्क्रीन पे आप देखते रहिए। 16 जुलाई की साथियों फ्लाइट जो ये मान लो गई, आज के समझ में आप समझ सकते हो, गया के लिए फ्लाइट है और दिल्ली के लिए फ्लाइट है। जी हाँ, 17 जुलाई का भी एक फ्लाइट है साथियों दिल्ली के लिए, आप देख सकते हैं। 18 जुलाई की फिर एक फ्लाइट है जयपुर के लिए। भाई जयपुर वाले, राजस्थान वाले गौर से देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम फ्लाइटें का अभी चल रहा है। दोहा से फ्लाइट है 18 जुलाई की, ये पहुँचेगी मान लो 19:05 में राजस्थान पहुंच जाएगी। एक गया के लिए फ्लाइट है साथियों बिहार, जी हाँ बिहार के लिए भी फ्लाइट है। दोहा से दिल्ली के लिए भी एक फ्लाइट है, ठीक है। डीएल का भी दे रखा है, 26 जुलाई का फ्लाइट है दिल्ली के लिए, 25 जुलाई का फ्लाइट है गया बिहार के लिए। जी हाँ, अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट है साथियों, 24 जुलाई का दे रखा है एक फ्लाइट है। विजयवाड़ा का भी फ्लाइट दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें 25 जुलाई को फ्लाइट है दोहा से। ये बॉम्बे का भी एक फ्लाइट है 25 जुलाई को, आप इसमें देख सकते हैं। विशाखापट्टनम फिर आ गया, ये केरला कोचिकोड़े आ गया, 26 जुलाई की फ़्लाइट है। बॉम्बे की फिर एक फ़्लाइट है 26 जुलाई की। जी हाँ, तिरची की भाई फ्लाइट है दो फ्लाइट, 27 जुलाई और 27 जुलाई की। बाकी फ़्लाइट भाई राजस्थान के लिए, मेन बात यह है राजस्थान के लिए एक फ़्लाइट गलो सरकार की मेहरबानी हुई है कि आपको एक फ़्लाइट मिल गई, वरना ये भी नहीं मिलनी चाहिए थी। गलो सरकार जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत कम फ़्लाइटें राजस्थान में आ रही हैं। और बिहार के लिए एक फ़्लाइट मिली है इसमें, अहमदाबाद के लिए भी एक फ़्लाइट मिली है। बाकी और इतना फ़्लाइट ज़्यादा है नहीं, 12 फ्लाइटें हैं तो इसको ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। 10 दिन में 12 फ्लाइटों का इसमें शेड्यूल बताया गया है। तो साथियों बस कतर से रिलेटेड यही जानकारी थी भाई, बाकी और फ्लाइटें होंगी जैसे आपके तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी मैं बता दूँ राजस्थान के लिए भाई, राजस्थान सरकार सबसे कम फ्लाइटें इशू कर रही है। मेन बात तो ये कि परमिशन नहीं मिलती, एम्बेसी की बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बोले सर वो ट्राई करते हैं तो बोलते हैं कि परमिशन नहीं है, राजस्थान सरकार परमिशन नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार के अलावा और भी बहुत सारी स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, ये लोग परमिशन नहीं देते। क्योंकि परमिशन देने का क्या मतलब है, आप 200-250 लोग अगर मैं 2-4 दिन से एक फ्लाइट आने लग जाएगी तो इतने लोगों को फिर सरकार के लिए तो आप सरदर्दी बन जाओगे ना। आपको फ्री में रहना, खाना, क्वारंटाइन की व्यवस्था, आपकी मेडिकल जांच, कोरोना की जांच, पूरी जिम्मेदारी, फिर आपके ऊपर से ये नहीं मिला वो नहीं मिला तो सरकार ये सोचती है कि पीछा छोड़ो, फ्लाइट की आपको परमिशन ही नहीं दे। अब मजबूरी है, महीने में दो चार भी नहीं मिले, मेरे हिसाब से महीने में 2-4 मिल जाए तो भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखो आगे धीरे धीरे बढ़ाना तो पड़ेगा, सरकार की मजबूरी हो जाएगी, वर्कर तो नहीं बैठ सकते ना वहाँ पे। तो बस कतर से रिलेटेड छोटी मोटी जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ये फ्लाइट का शेड्यूल मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।